लॉकडाउन खुलने के बाद से संस्कारधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। जबलपुर में इन दिनों हत्याएं होना आम हो गया है। बीते एक महीने के अंतराल में अभी तक 10 से ज्यादा हत्याएं जबलपुर में हुई हैं। हालांकि कुछ हत्या के मामलों का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है, पर घटनाएं होने में कहीं से भी कमी नहीं आ रही। जबलपुर के आगसोद गांव में भी आज एक दिव्यांग युवक और उसकी 3 साल की बेटी की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की दिव्यांग पत्नी दमोह तेंदुखेड़ा गई हुई थी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद माढ़ोताल थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुबह जब मृतक का भाई विष्णु गौड़ उससे मिलने घर आया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाके देखा तो दिव्यांग सुशील गौड़ और उसकी 3 साल की बेटी घर के अंदर मृत पड़े हुए हैं। मृतक सुशील गौड़ और उनकी बेटी जमीन पर लेटे हुए थे। दोनों के ही शरीर में धारदार हथियार से कई घाव किए गए थे। बच्ची के गले में हमला कर जहां उसकी हत्या की गई थी तो वहीं सुशील की पीठ और गले पर काफी गहरे घाव थे। क्या घटना हुई है और क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? जी, घटना तो बहुत दुखद है। ग्राम आगसोद में जो कि बेरहमी से उस बच्ची का गला काटा गया, उसके बाप का गला काटा गया, पूरा मतलब है ये सीधा हत्या का मामला है, जघन्य अपराध जिसको कहना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। और कल इसका मेरे पास कॉल आया था 10 बजे करीब, मैं शादी से लौट रहा था, तो इसका जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने इससे पूछा, एक बार बात नहीं हो पाई, दोबारा फिर मैंने लगाया, नहीं उठाया कॉल इसने, दोबारा फिर लगाया मैंने कि नाइट में किसका फ़ोन आ रहा है, तो फिर मैंने उससे पूछा, बोले सुशील बोल रहे भैया। अब सुशील नाम के लड़के 3-4 लोग हैं गाँव में, तो मैंने बोला सर नेम बताओ, फिर इसने मेरे से जाति बताई कि फलानी। और ये कल दरमियानी रात की घटना है, मृतक के भाई विष्णु गौड़ ने सबसे पहले रात में 1 बजे इनको देखा, अवस्था में पड़े हुए थे, और इसके बाद में आज सवेरे करीब 7:30 बजे गांव के कोटवार के माध्यम से नाथुराम के माध्यम से सूचना मिली कि सुशील गौड़ और उसकी बेटी संजना गौड़ केसाव कमरे के अंदर पड़े हुए हैं और वहीं पर खून वगैरह पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है, किसी आरोपी के द्वारा धारदार हथियार से दोनों की हत्या की गई है, प्रकरण पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। प्राथमिक तौर पर क्या बात है सामने? प्राथमिक तौर पर हत्या का मामला है प्रथम दृष्टया। किसी से कोई रंजिश या कभी कोई विवाद हुआ है? विवेचना में स्पष्ट होगा अभी स्थिति। जीवन शैली कैसी थी? मृतक अपाहिज व्यक्ति था, पत्नी भी अपाहिज थी पैरों से, और छोटा बिस्किट चिप्स की दुकान लगाकर गुजर बसर किया करते थे लोग। जीवन शैली तो सामान्य एक गरीब परिवार की तरह ही उनकी जीवन शैली है।